रामकरण को तीन कुंठा ठोकना तो दौड़ी ठकवाले। कल जो हरियाणा विधानसभा में 73% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में पास हुआ है, उसके लिए दुष्यंत चौटाला जी का हम धन्यवाद करने के लिए आज प्रेस लोकसभा बुलाई है और आज खुशी में लड्डू बांटे गए। दुष्यंत चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं जो ये उनके प्रयासों से ये 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में भी लागू हुआ है। ये हमारे मैनिफेस्टो में पहले से था और जो भी आगे जो है मैनिफेस्टो में हमारी बातें उनको सबको आहिस्ता आहिस्ता सबको पूरा किया जाए। रामकरण को तीन कुंठा ठोकना तो थोड़ी ठकवा ले, उन्हें और काम की बात तो कोई अंदर नहीं कहनी, वो तो अच्छा करो या बुरा करो उसको तो नकारात्मक सोच आती है। रामकुमार गौतम भी उस टाइम थे हमारी पार्टी में, जब भी हमने मैनिफेस्टो में डाला उस टाइम रामकुमार गौतम जी कहाँ थे? आपकी पार्टी के तो विधायक भी हैं, आपकी पार्टी के संजय कुमार भी हैं, क्या ये माना जाए कि उनकी जो विचारधारा है पार्टी से मेल नहीं खा रही? रामकुमार गौतम जी नहीं, उस उनकी पार्टी से विचारधारा पर मेल नहीं खा रही नहीं, इसमें देश तोड़ने वाली तो कोई बात है नहीं, बात ही नहीं इसमें। इसमें तो ये तो हरियाणा के जो लोग हैं ये उनके लिए प्रावधान पहले ही मैनिफेस्टो में रखा था और जो हरियाणा के लोग हैं उनको 75% आरक्षण मिले तो इसमें देश तोड़ने वाली कौन सी बात है? जो 15% जो 25% जो लोग बचेंगे तो वो भी नौकरी कर सकते हैं उसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर 50,000 की नौकरी तक जो साथी जाता है वो बहुत बड़ी होती है और उसके बाद तो फिर वो ऊंचे लेवल की बात हो जाती है। ये जो प्राइवेट सेक्टर सभी में होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है जी, प्राइवेट सेक्टर आज जितने प्राइवेट सेक्टर जितनी फील्ड है कोई भी ट्रेड है उसके अंदर हर एक के अंदर होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है, आगे सब आप देखते रहना, फैक्ट्री अब लगेंगे सारे काम हो जाएंगे, अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ढील रहा है काम, आगे सारे काम होंगे और पटरी में तो आहिस्ता आहिस्ता आ गया अर्थव्यवस्था। ये तीन मैं भी किसान हूँ और किसानी से इतने बड़े इतने ऊंचे लेवल तक गए हैं मेहनत करके, ये किसानों के बिल्कुल हक में है, इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और जो MSP का भरम पला रखा है कांग्रेस ने, ये बिल्कुल झूठ है, कोरी झूठ, तो कोई MSP खत्म नहीं होगी, कोई मंडी नहीं टूटेगी और देख लो आप ये सारी जीरी बिकी है, MSP बिकी है, अब पता नहीं कहाँ बिल में बढ़ गया, जो लोगों को भगा रहे थे जाके देखो भी अपने जाते मंडी हुए, अब जीरी बिकी है कोई जाते नहीं, रोड़ा भाग है भाग गए से बात भी करेंगे इस मुद्दे पे और ये नजायज है, इतना तो कोई फर्क नहीं चलता, एक 10 किले का जिम्मेदार भी सारे किले बेच कर मर सकता है 1 करोड़ तो, क्योंकि किसानों को जो कानून थे वो हजम नहीं हुए थे, उसके बाद ये जो था अध्यादेश जो है पास कर दिया गया। ये तो केंद्र सरकार ने किया जिसको कल इसके दूसरे दिन ने बोले अभी इसके ऊपर बातचीत करेंगे, गृहमंत्री से भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं किसने क्या किसको भगा दिया, 1 करोड़ जुर्माना तो वैसे वो हिल सकता, कभी कभी नहीं हुआ।